तो पिताजी का डील डोल बहुत अच्छा था, तो जो हमारे दादाजी थे वो वेट उठाते थे, तो उनको देख के उनको लगा कि मैं अपना पहलवान बनूं। मलेग पड़ी थी अच्छा उस वक्त, जैसे अब कोरोना आया है, तो उनके भी 5 भाई उस प्लेग में खत्म हो गए, तो अकेले रह गए। पिताजी को बचपन में उन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरुआत करके, पिताजी पढ़ना चाहते थे। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखे मंजर में। आज हम खड़े हैं मेरठ जिले में। आज हम आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान के मशहूर पहलवान दारा सिंह जी का घर। एक एक हिस्सा हम दारा सिंह जी का घर आपको हम दिखाने वाले हैं और बात कराएंगे उनके पुत्र और उनके पौत्र से। तो दोस्तों चलते हैं आगे। अजय रंधावा जी यानी कि दारा सिंह जी के पोते साहब ये बैठे हैं, देखिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनोखे मंजर में, और बहुत धन्यवाद बोलता हूँ मैं आपको कि आपने इतना कीमती समय आप मुझे दे रहे हैं। हाँ जी, तो पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या दादाजी यानी कि दारा सिंह जी आज हमारी इस दुनिया में नहीं है, तो क्या उनकी याद में आप कुछ कहना चाहते हैं ज़रा? उनकी याद में याद तो बहुत आते हैं, हर बार ही मिस करते हैं उनको हम लोग। कभी भी कोई भी त्यौहार हो कुछ भी हो तो उनसे बातचीत होती रहती थी और काफ़ी मिस करते हैं इस टाइम उनको, पर अब क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी थी। एक कितनी महान हस्ती आज हमारे बीच में नहीं है और उनके सुपुत्र और उनके पोते जी हमारे बीच में आज मौजूद हैं, और बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूं मैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज उनकी फैमिली के बीच में यहाँ बैठा हुआ हूं, और काफ़ी नम आँखों से इन्होंने अपने दादाजी को याद भी किया है। तो दोस्तों वीडियो में आगे चलते हुए मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं आपका ये दारा सिंह जी का जो निवास है मैं इसको ज़रा थोड़ा सा देखना चाहता हूं, और जो दादाजी की यादें हैं मैं उनको भी अपने दर्शन तक पहुँचाऊँगा। आइए दोस्तों चलते हैं अंदर, और मैं आपको बहुत विस्तार से ये श्री दारा सिंह जी का निवास दिखाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को एक एक हिस्सा हमारे दारा सिंह जी का घर का ये देखने को मिले। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितने खतरनाक कुत्ते भी हैं यहाँ, और एक देखिए उधर से हमें फॉलो कर रहा है देखिए, क्योंकि ऐसा होता है जब जंगल में एक फार्म हाउस है ये, तो ये सब जरूरी है, ये चीजें इनका एक बहुत बड़ा एक महत्व है फार्म के लिए। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। और बहुत ही खुशी मुझे इस बात की है कि खुद दारा सिंह जी के पोते साहब हमारे साथ चल रहे हैं आगे आगे, और हमें लेकर के जा रहे हैं वो। और मैं अजय भैया मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे दारा सिंह जी की कुछ निशानियां अगर है आपके पास तो मैं वो देखना चाहता हूं। हाँ, जैसे कि कोई उनके जीते हुए मेडल या कुछ ट्रॉफी वगैरह। मेडल बेल्ट वगैरह थी वो तो जमा कर रखी है। अच्छा अच्छा। हाँ, जो भी उनकी ट्रॉफियां थी। हाँ जी हाँ जी, उनमें दी हुई है। अच्छा। हाँ हाँ, अच्छा। ये सब पुराना हिस्सा है, पहले का बना हुआ इसके बैक में। अच्छा, तो यहाँ सब में दारा सिंह जी खूब आते थे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे रहते थे। हाँ, दो दो चार चार दिन रह के चले जाते थे। अच्छा अच्छा। आप उस समय कितने, क्या एज होगी आपकी जब उनकी डेथ हुई थी? मेरी होगी 29-30 के आसपास। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे। 3? देखिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, देखिए हमने दारा सिंह जी की बात की, उनके पुत्र की बात की, और उनके पौत्र की, ये खड़े हैं।
अब इनसे आगे मैं चलता हूँ। ये बता रहे हैं कितने बच्चे बताए आपने? 3 बच्चे। क्या क्या है? एक बेटा है, 2 बेटियाँ। देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। एक बेटा, 2 बेटियाँ इनकी मौजूद हैं, यानी कि परपोतियाँ और परपोते दारा सिंह जी के। तो बता रहे हैं, देखिए अजय भाई आइए। एक एक जानकारी हमने अपने दर्शकों तक आज पहुंचाई है और उनका फार्म हाउस मैंने ये दिखाया है और हम घूम रहे हैं इस समय श्री दारा सिंह जी के घर पर, उनके फार्म हाउस पर। काफी बड़ा फार्म हाउस है और इस बिल्डिंग के चारों ओर जितनी जमीन है वो सब अपनी होगी। हाँ, तभी तो ये देखिए गाड़ियां खड़ी हैं, सब VIP गाड़ियां हैं। देखिए आप, कहने की बात ही नहीं है कि साहब। देखिए 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 डॉगी कितना गुस्सा कर रहा है, आप देखिए। आइए, जैसा कि सभी को पता है कि रामायण धारावाहिक में दारा सिंह जी ने हनुमान जी का किरदार निभाया है, जो कि रियल में ऐसे लगते थे दारा सिंह जी उस रोल में कि हनुमान ऐसे ही दिखते होंगे और ऐसे ही हनुमान होंगे जैसे कि दारा सिंह जी दिख रहे थे रामायण धारावाहिक में। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं हिंदुस्तान के बहुत मशहूर पहलवान जिन्हें रुस्तम-ए-हिंद का खिताब मिल चुका है, दोस्तों बहुत ही सौभाग्य है मेरा आज और मैं अपने आप को एक भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि आज मैं स्वर्गीय श्री दारा सिंह जी के निवास पर बैठा हूं और मेरे साथ उनके पुत्र श्री प्रद्युमन सिंह रंधावा जी मौजूद हैं, दारा सिंह जी के पुत्र। ये देखिए मैं आपकी मुलाकात भी करा रहा हूं और मैं इनसे 2 शब्द भी लेकर के अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा, तो मैं इनसे कुछ थोड़ा पूछना चाहता हूं। नमस्कार। देखिए मैं आपसे ये तो पूछ नहीं सकता कि आपका क्या नाम है, क्योंकि बहुत ही मतलब फेमस परिवार से और बहुत ही एक सम्मानित परिवार से आप हैं, तो दुनिया जानती है आपको और आपके पिताजी को, दारा सिंह जी को। तो मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं इसका नाम और थोड़ा दादाजी के बारे में, बाबूजी के, और थोड़ा आपके बारे में, क्योंकि मुझे मालूम है और सबको मालूम है कि बहुत अच्छे एक कलाकार भी थे, यानी कि अभिनय के रूप में उन्होंने अपने आप को हमारे हिंदुस्तान में भी पेश किया है। पहलवान तो रहे ही हैं और उसके साथ साथ उन्होंने एक अभिनय में बहुत अच्छा नाम कमाया है और हिंदुस्तान के नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं वो। तो मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहता हूँ और बाबू जी का थोड़ा सफ़र, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये पिताजी का जन्म तो पंजाब में हुआ। अच्छा। गांव धर्मूचक था। अच्छा। और वो नवंबर के महीने में, शायद इंदिरा गांधी जी की बर्थ डेट है आसपास, सो सेम उसी दिन ही उनका जन्म हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा पिताजी का। तो मैं जन्म तो आपको मैं आज पूरा फाइनल बता दूंगा क्योंकि मैं पूरी तैयारी से आया हूँ लेकिन मैं आपसे आपके मतलब आपकी जुबान ही मैं पूछना चाहता था, वो मैं आपको बताऊंगा आज पूरी तफ्तीश में लेकर के आया हूँ उनके बारे में। हाँ, और फिर आपका प्यार है और सब लोगों का प्यार है, दारा जी के साथ जनता का प्यार बहुत था। उन्होंने जो पहलवानी का सफर शुरू किया वो मतलब किस तरह से एक सबब बनता है हर चीज का, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। किस तरह से उन्होंने सफर शुरू किया
और कहाँ कहाँ उन्होंने किस किस तरीके से उन्होंने कुश्तियाँ लड़ी, कहाँ उन्होंने तैयारी की, मैं ये सब जानना चाहता हूँ। गांव में पुराने जमाने में जो हमारे परदादा थे वो 6 भाई थे। अच्छा। तो उस वक्त उनका खेती का कारोबार था, तो खेती का अच्छा कारोबार था उनका। उस वक्त हमारे परदादा जी ने हमें बताया कि प्लेग पड़ी थी। अच्छा। उस वक्त जैसे अब कोरोना आया है, तो उसमें बहुत सारे लोग खत्म हो गए थे। अच्छा। तो उनके भी 5 भाई उस प्लेग में खत्म हो गए थे, वो अकेले रह गए थे। दारा सिंह जी? नहीं, परदादा। उनके पिताजी? परदादा, परदादा। अच्छा। उनके पिता के पिता। अच्छा अच्छा। तो वो कह रहे मैं अकेला रह गया। अच्छा। वो घर की सारी जिम्मेवारी उन पे आ गई, तो उनको सारे परिवार पालने पड़े। तो उसके बाद हमारे दादाजी आए, तो दादाजी को भी स्ट्रगल की जिंदगी जीनी पड़ी। उनको सिंगापुर तक जाना पड़ा अपना रोजी रोटी के लिए। तो दादाजी हमारे सिंगापुर चले गए थे, उनके भाई भी सिंगापुर चले गए थे, और पिताजी और हमारे परदादा गांव में खेती करते थे। अच्छा। पिताजी को बचपन में उन्होंने पढ़ाई लिखाई छुड़वा करके, पिताजी पढ़ना चाहते थे, वो पढ़ना चाहते। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हमारे दादा ने कहा नहीं, मैं अकेला हूँ, अकेला खेती करता हूँ, तो मेरे साथ खेती करवाओ। और वो जब 2-3 दिन स्कूल गए, तो एक दिन उनका जो बस्ता था स्कूल जाने का बैग, वो दादाजी ने ऊपर टांग दिया वो ऊंचा। अच्छा। तो कह रहे मैं सुबह उठा तो मैं बस्ता ढूंढूं तो मिला नहीं, तो वो रोने लगे। अच्छा। कि भाई मैं तो स्कूल जाऊंगा। कितनी उम्र होगी उस समय उनकी? उस वक्त कोई वो 8-10 साल की एज, प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते थे वो, 7-8 साल की उम्र थी। कौन से गाँव में? धर्मूचक। कहाँ हुआ ये? ये पंजाब अमृतसर। तो वो दादी जी ने कहा कि इनको स्कूल जाने दो। वो कहने लगे नहीं भाई, मैं अकेला हूँ, मुझे खेती करनी है, मेरी हेल्प करेगा, ढोरों को पानी पिलाएगा, वो उनको देख लेगा। अच्छा। तो उनको उन्होंने स्कूल नहीं जाने दिया। फिर वो जब ज़्यादा जिद करने लगे, तो उनका तय किया गया कि गांव में एक बाग है, उस बगीचे में साधु रहते हैं। अच्छा। वो पढ़ाते हैं, तुम 2 घंटे वहाँ पढ़ लिया करो जाके। क्या बात। तो वो उस बगीचे में जाके साधु से पढ़ने लगे। तो वो बताते हैं थे पिताजी के, वो बगीचे में हम पानी देते थे, छोटी सी कुआं था उसको हम चलाते थे, और वो बगीचे में आम का बाग था तो उसमें पानी देते थे और वो हमें पढ़ाते थे। तो वहाँ से उनकी पढ़ाई की जो शुरुआत जिंदगी की हुई। अच्छा। उसके बाद उन्होंने खुद अपने अनुभव से इंग्लिश में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, उर्दू भी पढ़ा जब फिल्मों में गए, और हर लैंग्वेज पे कंट्रोल किया, अच्छा उनका बोलने का लहजा सीखा, सारी चीज़ें सीखी। तो वो उनकी खुद की मेहनत थी पिताजी की। मैं ये समझ रहा हूँ, क्या अभिनय तो उन्होंने बाद में शुरू किया। हाँ। पहले तो उनकी रुचि जो थी पहलवानी में थी। पहलवानी। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि पहलवानी में वो किस तरह से आए। दरअसल उनकी दिल डॉल बहुत अच्छा था जी। हमारी दादी भी 5'8" हाइट थी, तो पिताजी का डील डॉल बहुत अच्छा था। तो वो जब खेती करते थे, तो उस वक्त भी उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने गेहूं इतना काट दिया था, उनका रिकॉर्ड आज तक गांव में नहीं टूटा जिससे, गेहूं इतना काट दिया था दिन में जी। कि उतना आज तक उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा गांव में किसी से। तो वो खेती करते करते उनको अपना जो हमारे दादाजी थे वो वेट उठाते थे, तो उनको देख के उनको लगा कि मैं अपना पहलवान बनूं। तो तब उन्होंने वर्जिश शुरू की गांव में। अच्छा। वर्जिश शुरू की और वो अपना छोटी मोटी वहाँ देसी कुश्तियाँ अखाड़े में लड़ने लगे, आसपास मेलों में जाके लड़ने लगे। तो उनकी जो पहली कुश्तियाँ हुई, तो लोगों ने उनको, गांव वालों ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। कि ये बहुत अच्छे निकलेंगे, पहलवान बनेंगे। और उनकी अच्छे अच्छे पहलवानों से उस वक्त उन्होंने किसी को हराया, किसी को बराबर कुश्ती लड़ी, तो वहाँ से उनकी कुश्ती का शुरुआत हुआ। फिर उसके बाद 1-2 साल कुश्तियाँ लड़ने के बाद फिर वो सिंगापुर चले गए। अच्छा। पिताजी। अच्छा। उस वक्त हमारे जो दादाजी है वो सिंगापुर में अपना सेटल हो गए थे, तो वो अपने चाचा के साथ सिंगापुर चले गए। और सिंगापुर जाके भी वो अपना, जब दादाजी को पता चला कि पहलवानी कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ उनको अखाड़ा ज्वाइन करवा सपोर्ट किया, सपोर्ट किया, अखाड़ा ज्वाइन करवा दिया। पहलवान हरनाम सिंह का अखाड़ा था वहाँ, तो वो अपना बहुत बड़े पहलवान थे पंजाब के।
तो उनके अखाड़े में वर्जिश करने लगे। अच्छा। वहाँ पर उनका जो फिर रेसलिंग का जो है अरूज शुरू होता है। अच्छा। वहाँ पर वहाँ दंगल होते थे। हाँ। वहाँ पर तो वहाँ पर ही उन्होंने अच्छे अच्छे पहलवानों को हराया दंगल में। अच्छा। और वहाँ पर जब उनका नाम हो गया सिंगापुर में, तब फिर वापस इंडिया आए और फिर आगे इंडिया में कुश्तियाँ लड़ी, और उन कुश्तियों में फिर उन्होंने रुस्तमैन का खिताब हासिल किया टाइगर जोगिंदर को हरा के। क्या बात है। अच्छा, किंग कॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैंने सुना कि किंग कॉन्ग को भी उन्होंने हराया था। हाँ जी, उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री जानना चाहता हूँ। किंग कॉन्ग हंगेरियन थे। अच्छा। हंगेरियन पहलवान थे वो। अच्छा। और वो वर्ल्ड लेवल के बहुत बड़े पहलवान थे, वर्ल्ड चैंपियन थे अपने जमाने के, और उनका डील डॉल बड़ा भारी भरकम था, उनका वेट बहुत ज्यादा था। उसको किसी पहलवान ने कभी लिफ्ट नहीं किया, उनको उठा नहीं पाया कोई। ये पहले रेसलर थे पिताजी जिन्होंने उसको किंग कॉन्ग को लिफ्ट किया, दोनों हाथों के ऊपर उठाया जी। उठा के फिर उसको घुमाया यूं किंग कॉन्ग को। हाँ, उठा के हाथों पे ऐसे तोल के घुमाया। मैंने देखी है वो फोटो, नेट पे आज भी है। हाँ जी, घुमा करके गिराया। तो उस वक्त लोगों को लगा कि भाई इनमें तो बहुत ज्यादा ताकत है जी। और ये इतने आदमी बड़े आदमी को लिफ्ट कर सकते हैं और उसको गिरा सकते हैं, हरा सकते हैं। तो तब उन्होंने अपना, उनका बहुत ज्यादा नाम हुआ। उस वक्त वो हिंदुस्तान के चैंपियन बन चुके थे। हाँ जी, क्या बात है। तो वो मैंने फोटो देखी है। अब भी आप, मैं दर्शकों से भी कहूँगा अपने कि अगर इस बारे में वेरिफिकेशन करना चाहे, वेरीफाई करना चाहे, तो नेट पे वो देख सकते हैं। वो फोटो आज भी है, वो भी है, मैंने देखी है। और मैं बस ये था कि मैं आपकी ज़ुबानी ये सब सुनना चाहता था। अच्छा, फिर अभिनय के रूप में कैसे वो मतलब आ गया है? ये बम्बई में कुश्तियाँ थी। अच्छा। बम्बई में कुश्तियाँ थी और शेख मुख्तार उन दिनों अच्छा बड़े पॉपुलर एक्टर हुआ करते। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने फिल्में भी देखी हैं उनकी। हाँ, शेख मुख्तार जी उस वक्त स्टंट फिल्मों के बड़े अच्छे हीरो थे। तो एक फिल्म बनाना चाहते थे, देवी शर्मा प्रोड्यूसर थे। अच्छा। वो मेरठ के रहने वाले थे। तो वो फिल्में बनाते थे बॉम्बे में। तो फिल्म बनाना चाहते थे किंग कॉन्ग। अच्छा। उसमें उस वक्त बॉम्बे में कुश्तियाँ चल रही थी दादाजी की। तो किंग कॉन्ग का बहुत नाम था और किंग कॉन्ग बड़ा पॉपुलर रेसलर था। तो किंग कॉन्ग फिल्म बनाना चाहते थे वो। तो उनके डायरेक्टर थे हमारे उस वक्त, जो उन्होंने उनसे बात की, शेख मुख्तियार को साइन करते हैं। तो शेख मुख्तियार जी बहुत बिजी थे और उन्होंने कुछ मुआवजा उनसे कोई काफ़ी ज़्यादा मांगा। अच्छा। तो वो उनको बातचीत करने के बाद वापस आ गए और उनके पास डेट भी अवेलेबल नहीं थी। उनका, मेरे पास डेट भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं साल के बाद जाके टाइम दूंगा। किंग कॉन्ग। अच्छा। वो देवी शर्मा ने कहीं पिताजी की रेसलिंग देखी थी। ठीक। वो अपने डायरेक्टर से कहने लगे कि भाई आप मेरे साथ चलो, आप दादाजी की कुश्तियाँ देखो। अच्छा। और फिर हम दादाजी को अगर मना लें तो वो इस फिल्म में काम कर सकते हैं। जी। तो कुश्तियाँ देखने गए और डायरेक्टर ने देखा जब दादाजी को, तो कहता हाँ भाई ये तो कर सकते हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। तो उन्होंने पिताजी से टाइम लिया, पिताजी को होटल में जाके मिले। पिताजी ने मना कर दिया कि मैं तो जानता ही कुछ नहीं, मैं तो एक्टिंग नहीं कर पाऊँगा, मैं एक्टिंग तो जानता नहीं। जी। हैं भाई, मैं एक्टिंग कैसे करूँगा? तो डायरेक्टर कहने लगे उनके कि भाई दादाजी आपको कुछ नहीं करना, मैं आपसे करवा लूँगा। अच्छा। एक्टिंग में करवा लूँगा, लेकिन आप जैसे मैं कहेंगे वैसे आप मूवमेंट करना, क्यों भाई मैं आपसे काम करवा लूँगा। तो फिर भी उनका मन नहीं बन रहा था। तो एक दो मुलाकात उनकी हुई बाद में भी, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे मना लिया पिताजी। काफ़ी फोर्स किया, मेहनत करनी पड़ी, तब माने। हाँ, उस वक्त तो बहुत टॉप के रेसलर थे इंडिया के, तो बड़े बिजी थे रेसलिंग, बहुत बिजी थे। मतलब कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली सब जगह कुश्तियाँ होती थी जी। तो बहुत बिजी थे। अच्छा। तो कहने लगे कि अच्छा मैं, फिर वो कहने लगे मुझे कितना टाइम देना होगा? तो वो कहने लगे दादाजी आपके हमें कम से कम 60 डे चाहिए। अच्छा। इस फिल्म को बनाने के लिए। कह रहे भाई मैं 60 डे तो दे नहीं सकता,
मैं तो डेली मेरी कुश्ती होती है, कभी कलकत्ता कभी इधर कभी उधर, तो मैं तो अपनी वर्जिश भी करता हूँ, तो मैं 68 कैसे दे दूंगा। तो उन्होंने करते कराते फिर कहने लगे जी अच्छा चलो 40 दिन में कर लेंगे। अच्छा, करते करते फिर 35 दिन में बात डिसाइड होगी कि 35 दिन में फिल्म बन जाएगी और मैं 35 दिन काम करूंगा आपके साथ। फिल्म का नाम क्या था? किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग फिल्म बनी और जिसमें दारा जी ने अभिनय किया। ये भी देखिए आप, इत्तेफाक है। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, फिर वो फिल्म सबसे पहले किंग कॉन्ग उनकी फिल्म आई, ठीक है, उससे तो फिर उसके बाद तो सुपरहिट हो गई। हाँ जी, उसके बाद तो फिर ये चलता ही रहा। फिर अच्छा, उनके कुछ खास फिल्मों के नाम उसके बाद उनकी मुझे भी पता है, लेकिन आपके मुंह से जानना चाहता हूँ। सैमसन आई बाद में। अच्छा, अवारा अब्दुल्ला, सैमसन, फिर तो उनकी बहुत सारी फिल्में आई, क्योंकि थोड़ी नई फिल्में जैसे एक जुल्मी है अक्षय कुमार की, उनके नाम से ही बनी है। हाँ, दारा सिंह बिल्कुल बिल्कुल, नाम से। और जैसे एक जुल्मी है अक्षय कुमार की, अमिताभ बच्चन की मर्द है, और ये सब पॉपुलर फिल्में हैं सब, ये है ना। उन्होंने हर तरह की कर्मा, दिलीप कुमार जी की कर्मा, बड़ी बड़ी फिल्में, बहुत बड़ी फिल्म है। और देखा जाए तो सभी एक्टरों के साथ उन्होंने काम किया है, बड़े बड़े एक्टर हमने सबको पता ही है। अच्छा, मैंने अब एक खास बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने पिताजी के बारे में तो बहुत कुछ बताया, और जो कि पूरे हिंदुस्तान को क्या दुनिया को मालूम है, थोड़ा आप अपने बारे में क्यों छुपा रहे हैं हमसे? भाई क्योंकि एक आप भी बहुत अच्छे अभिनेता हैं और रह चुके हैं, और मैंने भी आपकी कई फिल्में देखी हैं, और हाँ, जिसमें कि मैं खुद अपने मुंह से एक फिल्म का नाम बताता हूँ जो आपकी सुपर हिट फिल्म रही है, गंगा तेरा पानी अमृत, क्या सही है? जी जी जी, गंगा तेरा पानी अमृत। मैं और शत्रुघ्न सिन्हा हमारा रोल था दोनों का। आप हीरो थे उसमें? नहीं नहीं, हीरो नहीं था उसमें, हमारा एक रोल था, करेक्टर रोल। हीरो नहीं, एज ए हीरो कोई फिल्म बनाई आपने? एज ए हीरो बंदिश। बंदिश ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें हीरो था मैं। अच्छा, लगभग कितनी फिल्मों में आपने काम किया? मैंने कोई टोटल 5-6 फिल्में की। अच्छा, जैसे कि थोड़ा नाम जानना चाहता हूँ मैं। आंखें थी पहली, ठीक है, धर्मेंद्र साहब के। आंखें, अच्छा, आंखें सबसे पहली फिल्म बंदिश है? नहीं, आंखें, आंखें है। अच्छा, उसमें मेरा सागर साहब ने मुझे काम दिया था। अच्छा, तो छोटा रोल था, एक बार अच्छा था वो, मतलब उसमें भी मतलब सागर साहब ने कहा था कि तुम करोगे तो पब्लिक याद रखेगी, ऐसा रोल है वो। अच्छा, तो वो मैंने की, उसके बाद वो फिल्म भी सुपरहिट थी, उसके बाद फिर मेरी बंदिश शुरू हो गई एज हीरो, तो वो भी ठीक गई, उसके बाद फिर मैं अपना गंगा तेरा पानी अमृत। इस फिल्म के तो गाने भी बहुत अच्छे हिट हुए हैं, गंगा तेरा पानी अमृत का। हाँ, उसके गाने बड़े सुपर हिट थे, बंदिश के भी दो गाने बड़े अच्छे थे। अच्छा, रफी साहब के अपने गाए हुए, अभी तो रात बाकी है, डल जाए तो सो जाना, अच्छा हिट सॉन्ग था, उषा खन्ना का म्यूजिक था। तो इस तरह से फिल्मों का सिलसिला थोड़ा चला, फिर पंजाबी फिल्में थी। अच्छा, पिताजी की। अच्छा, कितनी फिल्मों में पिताजी ने पंजाबी, कितनी फिल्में की हैं? पंजाबी तो बहुत बनाई पिताजी ने। पंजाबी में तो दारा जी उस वक्त सुपरस्टार थे पंजाब के भी, फिल्मों के, उनकी तो जग्गा सुपरहिट फिल्म थी, और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन में भी फिल्में बनाई, प्रोडक्शन की फिल्में भी नानक दुखिया सब संसार बनाई, और गाँव में जाके बनाई पंजाब। तो उस वक्त हमारे गांव में तो उस वक्त पृथ्वीराज कपूर, बल्लाज सानी, सारे एक्टर गांव गए हैं। हाँ जी। अच्छा, एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर आप मेरठ ज़िले में यहाँ पर मतलब रह रहे हैं, आप यहाँ कब से आप सेटल हुए हैं? ये मैं तो यहाँ सन 70 में आ गया था। अच्छा, तो बाबूजी यहाँ आते थे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत आते थे। अच्छा, हाँ जी, रह के जाते थे यहाँ पे? हाँ, जहाँ रह के जाते थे। मेरठ वालों का सौभाग्य। नहीं, वो तो बहुत काफी भीड़ लग जाती होगी जब आते होंगे। आते रहते, क्योंकि उनकी तो एक झलक पाना आदमी ये सोचता था कि बस हमारी खुशकिस्मती है। वो चाहने वाले बड़े उनके। अरे साहब, मैं बता रहा हूँ ना, मैं खुद उत्तराखंड से और यहाँ आया हूँ, और जब मैं 6th या 7th क्लास में पढ़ता था, तब से मैं बच्चा था, बच्चा अपने ऊपर नहीं होता है, अपने गार्जियंस के ऊपर होता है, लेकिन बच्चे को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ये चाहता मुझे मिल जाए। जी जी। लेकिन
उसको हासिल करना उसके अपने हाथ में नहीं होता, क्योंकि गार्जियन उसके ऊपर होते हैं। आज मैं थोड़ा आपकी दुआ से थोड़ा सा हुआ हूँ उम्रदार, 45 प्लस हूँ। देखिए आज अपने बल पे ऊपर वाले के कर्म से मैंने कोशिश की और मेरी बहुत खुशी थी कि मैं मतलब आपके पास आऊं। असफल नहीं होता जी, और मैं आपका आशीर्वाद भी चाहता हूँ। इसके बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और हमारे हिंदुस्तान की जो शाख है और जो हमारे हिंदुस्तान की जो जान है, वो ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं, पैदा हुए हैं और गुजर भी गए हैं। आज उनके नाम से पूरा हिंदुस्तान एक तरह से देखा जाए तो मजबूत तरीके से खड़ा हुआ है। बिल्कुल। दोस्तों ये जरूरी नहीं कि देशभक्ति या हिंदुस्तान की सेवा हाथ में बंदूक लेकर के, राइफल लेकर के फौज में भर्ती होने से ही हिंदुस्तान की सेवा की जाए। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की सेवा किसी भी तरह से आदमी कर सकता है। कैसे? समाज सेवी, कुछ समाज सेवा करके भी कर सकते हैं और कुछ अपना नाम करके, जैसे कि हमारे दारा सिंह जी हिंदुस्तान में इतना पॉपुलर हुए अपने बल पे, पहलवानी के बल पे और अभिनय के बल पे, आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने सीख खड़ी की है और हमारे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया है। ये भी एक देशभक्ति है कि आज हमारे हिंदुस्तान में दारा सिंह जैसे भी व्यक्ति रह करके और गुजर के जा चुके हैं। दोस्तों वो जा गए कहीं नहीं है, वो आज हमारे दिल में जिंदा है, हमारे मन में है, हिंदुस्तान के एक एक कण में वो मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सेवा हमारे भारत की है। और हमारा एक सौभाग्य है कि आज हम उनके निवास पर बैठे हैं और उनके पुत्र श्री प्रद्युमन रंधावा जी से भी आपकी हमने आप बात कराई है और आप लोगों को मिलवाया है। दोस्तों एक रंधावा जी, मैं आपके लिए एक थोड़ा सा एक भेंट लाया हूँ। देखिए दारा सिंह जी के याद में जी। मैं अपने अनोखे मंजर चैनल की तरफ से सब प्रेम भेंट आपको करना चाहता हूँ। देखिए दिखाइए जरा, ये मैं स्पेशल आपके शुभ हाथों में मैं आपको इसको देना चाहता हूँ। ये लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल अनोखे मंजर का भी सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी उपलब्धि श्री दारा सिंह जी रंधावा जी के घर पे मैं खड़ा हूँ और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उनके पुत्र को ये सप्रेम भेंट मैं कर रहा हूँ और मैं आपसे आशीर्वाद भी चाहता हूँ। ये मेरे सर पे हाथ रखिएगा आप। तो बैठिए। हाँ जी बैठिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको कहता हूँ और आपने मेरा इतना सहयोग किया। आपका बच्चा हूँ मैं और मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था इतनी महान हस्ती के सामने आज मुझे बैठने का सौभाग्य मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने बड़ा लंबा सफर तय किया है यहाँ तक आने तक, और आपने जो पिताजी का जी मुझे प्रतीक चिन्ह दिया है, ये मेरा सौभाग्य है। क्यों? मेरा सौभाग्य है। और हमेशा आप लोगों का प्यार बना रहे और मेरे भाइयों का और दारा जी के जाने वालों का प्यार हमारे साथ बना रहे, यही परमात्मा से दुआ करता हूँ परमात्मा को। देखिए जन्म तारीख इनकी 19/11/1928 को इनका जन्म हुआ और 12/7/2012 को श्री दारा सिंह जी हमें अलविदा कह गए। तो दोस्तों आज हमने आपको दिखाया हिंदुस्तान के मशहूर पहलवान और अभिनेता श्री दारा सिंह जी का निवास और उनके पुत्र से मिलवाया, उनके पोत्र से मिलवाया और सारी जानकारी और उनकी जीवनी के बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अनोखे मंजर में इस वीडियो पर
आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वीडियो में आगे बढ़ते हुए दो शब्द। आज के टाइम में न्यू जनरेशन रोड पर वाहनों को बहुत तेज स्पीड से चला रही है और सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि वो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। दोस्तों मेरा ये कहना है कि अगर वाहन चलाएं हेलमेट पहन के चलाएं, मोटरसाइकिल पर जाएं हेलमेट पहने, अगर फोर व्हीलर जाए तो बेल्ट लगाएं, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन अमूल्य है। अगर जीवन बचाएंगे तो सब कुछ बचेगा। दोस्तों हेलमेट पहने और अपनी रक्षा करें और अपने परिवार की भी रक्षा करें। धन्यवाद।